फास्ट न्यूज की खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजस्थान के बसवाड़ा में इंटरनेशनल रेडियो क्लब द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई कंज्यूमर अवेयरनेस कार्यशाला, बीके मीना और बीके रमेश ने सोशल मीडिया से बचने के बताए गुर। मध्य प्रदेश के बड़वानी स्थित गोड़ मालवीय धर्मशाला में श्रीमद् भगवद गीता पर आयोजन, पूर्व न्यायमूर्ति बीडी राठी रहे मुख्य अतिथि, डॉक्टर एसएन यादव, बीके मीना ने सभा को किया संबोधित। मेरा भिनमाल व्यसन मुक्त भिनमाल के लक्ष्य से वीडियो शो के जरिए नशा मुक्ति का संदेश, गायत्री विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, दोराधाल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवीन आदर्श विद्या मंदिर समेत अनेक स्थानों पर उड़ीसा राउरकेला से बीके राजीव ने विद्यार्थियों को किया मार्गदर्शित। भिवंडी में आयोजित गंगोर महोत्सव में ब्रह्म कुमारीज द्वारा लगाया गया आध्यात्मिक स्टॉल, स्पार्क एग्जीबिशन द्वारा गेम्स और मैजिक ऑफ मेडिटेशन से आगंतुक हुए आकर्षित, बीके शिल्पा के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ आयोजित। एनएसएस शिविरार्थियों को राजयोग द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर जानकारी, बीके किरण ने युवाओं को प्रशस्त किया आध्यात्मिकता का मार्ग, बौद्धिक सत्र से विद्यार्थियों ने लिया लाभ। दिबियापुर में हुआ द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला एवं राजयोग शिविर का आयोजन, मुख्यालय से बीके रमेश, प्रभारी बीके सरिता समेत अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से हुआ सफल। महाराष्ट्र के डोंबिवली ईस्ट में नववर्ष स्वागत यात्रा में ब्रह्मा कुमारीज हुए आमंत्रित, शहर के नामी ग्रामी लोग शामिल, संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश, यात्रा द्वारा बीके सदस्यों ने परमात्मा का भी दिया सत्य परिचय। रतलाम में कैदी भाइयों के लिए आयोजित हुआ 10 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर, जेलर ब्रिजेश मकवाना की उपस्थिति में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके सविता ने कैदी भाइयों को पढ़ाया नैतिक मूल्यों का पाठ। सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आगरा से निकली कार रैली पहुंची फतेहपुर, एनसीसी कैडेट्स, अखंड हिंद फौज तथा विकास भवन में हुए कार्यक्रम, बीके शिव, बीके राधा और बीके शैलेंद्र ने किया उद्बोधित। आगे पुलिस लाइन और विकास भवन के जवानों के लिए भी हुआ आयोजन, आत्म सुरक्षा से राष्ट्र सुरक्षा विषय पर बीके शिव ने जवानों को किया मार्गदर्शित। कल्याण में गुड़ी पाड़वा के मौके पर रोटरी क्लब द्वारा निकाली रैली में ब्रह्मा कुमारीज भी आमंत्रित, प्रभु मिलन सेवा केंद्र से बीके अलका समेत अन्य बीके सदस्यों ने जन जल अभियान का दिया संदेश, पूर्व विधायक नरेंद्र पवार ने संस्था के कार्यों को सराहा। खुर्जा सेवा केंद्र पर विशेष महिलाओं के लिए कार्यक्रम, बीके नीलम, बीके रॉबिन का हुआ सम्मान, ब्लॉक प्रमुख मोनिका सिंह ने कार्यक्रम में की शिरकत। पुणे के मुकुंद नगर सेवा केंद्र पर अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट महिलाओं का हुआ सम्मान, प्रभारी बीके सरिता ने निमित्त निर्माण और निर्मल विषय पर सभा को किया संबोधित। इंडियन नेवी में 100 सेलर्स और डिफेंस सर्विस कॉर्प्स के लिए घाटकोपर के योग भवन सेवा केंद्र द्वारा हुए सेशन, बीके जागृति, बीके राजीव और बीके प्रमिला ने सोल टॉक्स और होलिस्टिक वेलबींग पर की चर्चा। निरसा सेवा केंद्र की ओर से घड़ी डिटर्जेंट की सभी कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय तनाव प्रबंधन शिविर, बीके जया, बीके डॉक्टर अवंतिका ने सभी को किया उद्बोधित, सभी का किया सम्मान। गोवा में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा निकाली हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा, सभी बीके सदस्यों ने रैली के माध्यम से जन जन को दिया परमात्मा संदेश। पिंपरी पुणे में समाज उत्थान के कार्यों के लिए बीके सुरेखा आदर्श महिला गौरव पुरस्कार से सम्मानित, युवा मंच द्वारा दिया गया सम्मान। लायंस इंटरनेशनल, राजनांदगांव सिटी, विप्र फाउंडेशन एवं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा ब्रह्मा कुमारी सम्मानित, प्रभारी बीके पुष्पा, बीके सुषमा, बीके प्रभा समेत सभी बीके बहनों का माना आभार। सैलाना में महिलाओं के लिए विशेष आयोजन, नालमी नगर परिषद अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, सैलाना नगर परिषद अध्यक्षा भी हुई शामिल, प्रभारी बीके अनीता ने नारी सशक्तिकरण पर रखे विचार। सारंगपुर के तिलक मेमोरियल हाईस्कूल में संस्थापक स्वर्गीय सीएल चौहान के प्रतिमा अनावरण के लिए ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित, बीके भाग्यलक्ष्मी ने समाज के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने का सभी को किया आह्वान।
हिंदू परिषद और ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा रामनवमी की महारैली का आयोजन, प्रभारी बीके बीनू को हिंदू परिषद की ओर से मोमेंटो देकर किया सम्मानित। पंजाब पट्टी के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज के अलग अलग सेवा केंद्रों, शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मुख्यालय से बीके भगवान ने किया संबोधित, विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर कराया राज्योग का अभ्यास। क्योंकि शिक्षक समाज का शिल्पकार है, आज समाज की स्थिति से भी देख रहे हैं, समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कारण मूल्यों की कमी। इसलिए समाज का अंधकार को मिटाने का कार्य है टीचरों का। ऐसे ही आगे यूपी के सुल्तानपुर स्थित आईटीआई टेक्निकल कॉलेज, पखरौली स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूरे स्टाफ और विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा का महत्व, तो वही स्थानीय सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों को खुशनुमा जीवन जीने के बीके भगवान ने बताए गुर। भाईचारा रखना, बड़ों का कहना मानना, समय का उपयोग करना आदि आदि गुणों को सीखना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे गुण सीखते हैं उनका चरित्र अच्छा बनता है, और चरित्रवान बच्चे देश की सच्ची संपत्ति है। परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि भाई जी आए और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी ज्ञान मिला, और बच्चों का काफी मार्गदर्शन हुआ कि इनके अंदर काफी सुधार भी होगा। हम तो बताते ही रहते हैं, लेकिन आपके बताने से और उत्साह बढ़ेगा। फास्ट न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए मधुबन न्यूज।